हेलो एवरी वन वेलकम टू द चैनल एडू डी सो इन टूडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर वन ऑफ क्लास इलेवेंथ बायोलॉजी दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड सो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट करने पर सबसे पहला जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है वो ये होता है दैट वॉट इज लिविंग लिविंग क्या है सो एज यू कैन सी इट इज रिटर्न हेयर लिविंग इज समथिंग दैट इज़ अलाइव लिविंग वो चीज़ होती है जो अलाइव हो समथिंग दैट कैन ग्रो ग्रो कर सके मूव कर सके रिप्रोड्यूस कर सके रेस्पायर यानी कि सांस ले सके एंड कैरी आउट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ और जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की क्षमता हो ऐसी बॉडी को या ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं लिविंग ओके देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग लिविंग का करेक्टरिस्टिक्स दो टाइप में डिफाइन होते हैं एक होता है नॉन डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स दूसरा है हमारा डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स नॉन डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऐसे फीचर होते हैं लिविंग के जो मतलब लिविंग में भी आप देख सकते हो आपको नॉन लिविंग में भी देखने को मिलेंगे अभी उसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे आने वाले पॉइंट्स में समझाऊंगी तो नॉन डिफाइनिंग करैक्टरिस्टिक्स के एग्जाम्पल है हमारे एक होता है ग्रोथ दूसरा है रिप्रोडक्शन ओके दैन डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें तो ये ऐसे फीचर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही परफॉर्म कर सकता है जैसे कि मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये एक लिविंग सेल के अंदर ही पॉसिबल है दैट इज वाई दीज आर डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स जो मिलकर एक टिशू बनाती हैं टिशू से फिर ऑर्गन देन ऑर्गन सिस्टम ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम ही तो परफॉर्म कर सकता है इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थर्ड है कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस मीन्स चेतना जो हम अवेयर होते हैं हमारे चारों तरफ जो चीजें हो रही हैं तो वो कौन कॉन्शियसनेस होगा किस में होगी चेतना जो लिविंग होगा नाउ अब हम वन बाय वन सारे करेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे ये जो भी मैं पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस कर रही हूं या करूंगी आगे भी ये सारे पॉइंट एनसीआर के ही पॉइंट्स हैं जो एन में ऑलरेडी मैंशन है ठीक है तो ये आपकी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं शॉर्ट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगी ओके okay, तो सबसे पहला जो हमारे हमारा करेक्टर है लिविंग का वो है ग्रोथ जो कि एक नॉन डिफाइनिंग फीचर था राइट right? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है इन द लिविंग बींग्स इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन टक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ लिविंग बींग्स में इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ये दोनों ही क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं या बोल सकते हैं दोनों करेक्टर होते हैं ग्रोथ के लेकिन अगर बात करें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में इंक्रीज इन मास वाला फीचर अप्लाई होता है वहीं दूसरी तरफ यूनि ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहाँ पे इंक्रीज इन नंबर होता है ठीक है यूनि ऑर्गेनिजम्स के केस के में इंक्रीज इन नंबर इज़ अ फीचर ऑफ ग्रोथ एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में इंक्रीज इन मास इज़ अ फीचर ऑफ़ ग्रोथ राइट फिर नेक्स्ट पॉइंट है इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ अकर बाय सेल डिविजन ऑब्वियसली सबको पता होगा दैट जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल डिविजन से ही उनमें ग्रोथ होती है फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी ओके दिस इज कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ स्पेंड अकर्स इन प्लांट ये जो ग्रोथ का फीचर होता है ये कॉन्टीन्यूअस होता है इन केस ऑफ प्लांट वहीं अप टू अ सर्टीन एज अकर्स इन द एनिमल्स लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें या हम ह्यूमन बॉडीज़ की बात करें तो एनिमल्स के केसेस में जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक होती है इससे रिलेटेड भी काफ़ी बार नीट में क्वेश्चंस आए हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रोथ इज़ कॉन्टीन्यूअस इन प्लांट्स एनिमल्स बोथ नन इस टाइप से आपके ऑप्शन आते हैं ठीक तो इसको याद रखना दैट प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कॉन्टीन्यूस होती है जबकि एनिमल्स में अप टू सर्टेन एज फिर थर्ड पॉइंट है इन द लिविंग बींग्स ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड यानी इंटरनल और ऑब्वियसली अगर मैं ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लूँ तो ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ हो रही है दैट मींस वो इंटरनली ग्रो कर रहा है उसमें जो भी सेल डिवीजन की प्रोसेस हो रही है जो भी ग्रोथ हो रही है वो अंदर से हो रही है बाहर से तो हो नहीं रही है ओके okay, तो जो भी लिविंग बींग्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है फिर नेक्स्ट पॉइंट है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ अगर हम बॉडी मास को ग्रोथ का क्राइटेरिया मान के चलें तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं कैसे एग्ज़ाम्पल माउंटेंस बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पहाड़ का एग्ज़ाम्पल ले, ले पहाड़ में हर साल आप जानते हो हर साल इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं धूल मिट्टी पार्टिकल्स उसमें और ज़्यादा एड होते जाते हैं माउंटेन में राइट तो हम बोल सकते हैं दैट इस तरह से पार्टिकल्स और मास ऐड होने पर जो माउंटेन का जो भी शेप है वो बढ़ता है या जो भी बोल सकते हैं उसका मास है वो इंक्रीज़ होता है जो कि एक्सटर्नल है तो अगर हमने इंक्रीज़ इन मास का क्राइटेरिया लिया हुआ है तो एक तरीके से माउंटेन की भी ग्रोथ हो रही है पहले वो माउंटेन मान लीजिए छोटा सा था उसमें और पार्टिकल्स ऐड होते रहे सालों साल होते रहे होते रहे फिर उसका शेप आज बहुत बड़ा हो गया क्या तो मतलब वो भी ग्रो कर गया एक तरीके से तो क्या वो लिविंग है नहीं वो तो नॉन लिविंग है तो ग्रोथ अकर्स बाय एक्मेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस उसके सरफेस में पार्टिकल्स के अक्यूमेलेशन से इकट्ठे होने की वजह से उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है ओके okay, दूसरी तरफ अगर एक और एग्जाम्पल ले पीस ऑफ वुड का लकड़ी के टुकड़े का जो ऑलरेडी प्लांट से अब अलग हो चुका है यानी एक अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है राइट right? तो ग्रोथ इज ऑल्सो ऑब्जर्व तो उसमें भी ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी कैसे अगर उसको पानी में डाल दिया जाए या वो मान लीजिए बारिश हो रही है उस पर पानी पड़ रहा है तो वो लकड़ी फूलेगी फूलेगी यानी उसमें भी ग्रोथ दिखेगी आपको लेकिन क्या वो लिविंग की वजह से ग्रो कर रहा है नहीं वो तो नॉन लिविंग है बट ग्रोथ उसमें भी देखने को मिल रही है इसीलिए मैंने बोला था ग्रोथ इज़ नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग्स ग्रोथ को हम प्रॉपर डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं लिविंग बींग्स का क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी देखने को मिल रहा है फिर नेक्स्ट हमारा करैक्टर है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोजेनी प्रोड्यूस करना यानी इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना अपने जैसे ठीक इट इज़ आइदर अकर सेक्सुअली और एसेक्सुअली ये सेक्सुअली भी हो सकता है एंड एसेक्सुअल भी हो सकता है जैसे कि वेजिटेटिवली एसेक्ल मतलब वेजिटेटिवली जैसे कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करती हैं या रिप्रोड्यूस करती हैं वो एक एसेक्जुअल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ठीक है फिर नेक्स्ट पॉइंट है इन यूनि ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया यूनीलुलर एल्गी और अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ ओके दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं एंड क्योंकि इसलिए मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन लोग मोस्टली गलत कर देते हैं क्यों इसमें बोल रहा है जो यूनि ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया यूनिसेलुलर एल्गी हो गई अमीबा हो गया तो इनमें जो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ ये दोनों जो फीचर होते हैं ये सिनोनिमस होते हैं सिनोनिमस मतलब एक ही चीज़ होते हैं इंक्रीज़ इन द इन यूनिसेलुलर के केस में ठीक है तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज सिन विद ग्रोथ रिप्रोडक्शन इज सिन विद ग्रोथ वहीं अगर देखा जाए दूसरा पॉइंट आपका बोल रहा है इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिपोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही अलग अलग चीज़ होती हैं ग्रोथ का मतलब होता है सेल डिवीजन सेल में डिवीजन होने के बाद जो सेल में इंक्रीज़ होते हैं सेल्स उससे होती है हमारी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक अलग क्राइटेरिया होता है ठीक है तो जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट है वैसे ही यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं राइट आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा फिर नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं फॉर एग्जाम्पल म्यूल्स स्ट्राइल बीज इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एट्सेट्रा ये एन सी आर टी के एग्जाम्पल हैं बट आर लिविंग लेकिन लिविंग होते हैं रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं लेकिन लिविंग होते हैं सो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बिंग्स इसीलिए रिप्रोडक्शन लिविंग का फीचर नहीं होता है मतलब डिफाइनिंग फीचर नहीं होता फीचर होता है लेकिन डिफाइनिंग नहीं है आप पूरी तरह कन्फर्म नहीं हो सकते इस फीचर से कि ये बॉडी लिविंग है या नॉन लिविंग है क्योंकि ये वाला जो फीचर है वो कुछ लिविंग्स में देखने को मिलता है तो कुछ लिविंग्स में देखने को नहीं मिलता है ठीक है फिर हमारा नेक्स्ट करेक्टर है मेटाबॉलिज्म जो कि एक डिफाइनिंग फीचर था द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल के अंदर होने वाली जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म जो कि एक लिविंग सेल का ही फीचर हो सकता है नेक्स्ट है नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म सो मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग बॉडी मेटाबॉलिज्म का फीचर एक्सिबिट नहीं करती है इसीलिए बिना किसी एक्सेप्शन के हम इसे बोल सकते हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग बींग्स का देन नेक्स्ट करेक्टर है हमारा कॉन्शियसनेस एबिलिटी टू सेंस देर सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमिलाई ऐसा कररेक्टर जिससे सेंस आए कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है हमारे सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है हम उसकी तरफ रिस्पॉन्ड कर सकें फिर वो चाहे फिजिकल हो केमिकल हो या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो तो इस तरह का जो फीचर होता है ये कॉन्शियसनेस इसको हम बोलते हैं ये हमेशा पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रो कैरियर टू कॉम्प्लेक्स यू कैरियर हैव सेंस और रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट जितने भी प्रो कैरियॉर्ड से लेके कॉम्प्लेक्स यू कैरियोड तक जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी इन सभी में सेंस होता है रिस्पॉन्ड करने का इन्वायरमेंट में जो भी हलचल हो रही है जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हो रही हैं इन सभी को ये लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं फॉर एग्जांपल बर्ड्स वगैरह अगर एनिमल की बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है फोटो पीरियड बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स काफ़ी क्वेश्चन आपका नीट में भी इससे रिलेटेड पूछा गया है कई बार जैसे कि आपसे पूछ लिया गया है दैट फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एनिमल्स बोथ नन तो ऑब्वियसली बात है बोथ ये एन का पॉइंट भी एग्जैक्टली exactly आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा भी हुआ है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल ओके तो इसको माइंड में रखना लास्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ इज दैट हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस तो ह्यूमन बींग जो होते हैं वो अवेयर होते हैं अपनी चारों तरफ की चीज़ों के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म वैसे तो सभी में कॉन्शियसनेस होती है लेकिन जो सेल्फ़ कॉन्शियसनेस की जो अगर बात करें जो ज़्यादा अवेयर होते हैं तो क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है लिविंग में वो है ह्यूमन बीइंग इसलिए उसमें ज़्यादा अवेयरनेस होती है एज़ कम्पेयर टू अदर लिविंग बींग्स कि वो अपने आस की चीज़ों को जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सके और उनके लिए अवेयर रह सके इसीलिए हम उसको बोलते हैं ह्यूमन बींग्स हैव सेल्फ़ कॉन्शियसनेस फिर हमारा जो लास्ट कैरेक्टर है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट बी मेड अप ऑफ सेल्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग बींग का क्योंकि जितने भी लिविंग बींग्स हैं या लिविंग बॉडी हैं वो सब सेल से मिल बनती हैं जो कि यूनिट ऑफ लाइफ होती है फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है हाइट्रोजेनेटी इन द लिविंग वर्ल्ड मतलब कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं कितनी तरह की विभिन्नता पाई जाती है हमारे लिविंग वर्ल्ड में इससे रिलेटेड हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी इज़ द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अर्थ में कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं प्लांट्स एनिमल्स बर्ड्स रेप्टाइल्स एम्फीबियंस ये अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप की जो भी स्पीशीज़ पाई जाती हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड में ये सब मिलकर हमारी एक बायोडाइवर्सिटी बनाती हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन तो अभी तक जितनी भी स्पीशीज़ पढ़ी गई हैं या जितनी भी नोन स्पीशीज़ हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी में अगर हम देखें तो उसका जो रेंज है वो 1.7 से 1.8 मिलियन का है मतलब अभी भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं जो अननोन नोन है या जिसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट है फॉर डिस्क्राइबिंग ऑल द स्पीशीज़ टैक्जोनॉमी इज़ नेसेसरी सभी स्पीशीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए अच्छे तरीके से जिसमें हम सब के बारे में प्रॉपर वे में जान सकें उसको हम बोलते हैं टैक्जोमी और उसके लिए टैक्सोमॉमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देयर आर फोर प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी के अंडर हम क्या क्या पढ़ते हैं चार मेन प्रोसेस होती हैं जो हम टैक्सोनॉमी के अंडर में पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर है हमारा करेक्टराइजेशन करेक्टराइजेशन मतलब स्टडी ऑफ करेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें जो भी हमारे डाइवर्सिटी में प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके करेक्टर्स के बारे में पढ़ना इज नोन एज करेक्टराइजेशन नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन मीन्स अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर हम किसी की आइडेंटिटी के थ्रू उसको पहचान सकते हैं तो ये जो भी आइडेंटिफिकेशन होता है ये करेक्टराइजेशन के बेस पर ही होता है करेक्टर्स के बेस पर ही हम डिफाइन कर सकते हैं किसी को ठीक तीसरा है हमारा क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो मेन स्टेप होता है टेक्जोनोमी का जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर वे में क्लासिफाई करते हैं उसमें जीनस स्पीशीज फैमिली क्लास ऑर्डर ये सब ठीक है फिर होता है नॉमिन क्लचर नॉमिन क्लचर यानी उसको नाम देना अब कोई भी चीज़ हमारे डाइवर्सिटी uh, में प्रेजेंट है तो वो अननोन है उसका कोई नाम नहीं होता है जो भी हम नामकरण करते हैं जिसको बोलते हैं नामकरण करना तो वो होता है नॉमिन तो हम उसको नाम देते हैं इसकी स्पीशीज़ ये है इसकी जीनस ये है तो जो भी फॉर एग्जांपल सोलेनम निगरम तो ये एक नाम ही तो है तो ये नॉमिन हुआ ठीक तो नाम देना इज़ नोन एज़ नॉमिन फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज़ रिलेशनशिप्स कॉल्ड सिस्टमैटिक्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना उनकी डाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ना उनमें क्या रिलेशंस है उसके बारे में पढ़ना इन सब की स्टडी करना कहलाता है सिस्टमैटिक्स द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज़ डाइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो वर्ड सिस्टमैटिक है इसको लैटिन वर्ड सिस्टेमा से लिया गया है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब विधिवत ऑर्गेनिजम्स का जो भी अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स सिस्टेमा नेचुरी वॉज रिटन बाई लीनियस सिस्टमा नेचुरी एक बुक है जो लीनियस ने लिखी थी फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टेक्जोनॉमिक हेराची टेक्जोनॉमिक हेराची एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम टेक्जोनॉमिक ग्रुप्स यानी कि डिफरेंट टैक्सा को जैसे कि फाइलम स्पीशीज इन सबको अरेंज करते हैं डिफरेंट ऑर्डर में फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरीज ओके इट इज़ अ फ्रेमवर्क इन विच द टेक्जोनॉमिक ग्रुप्स टैक्सा आर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर फ्राम हाइर टू लोअर कैटेगरीज स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब हम हायर टू लोअर कैटेगरीज में इसमें अरेंज करते हैं डेफिनेट ऑर्डर में जिसमें से जो सबसे लोअर होता है यानी जिसको हम बोलते हैं स्पीशीज़ वो होता है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासीफिकेशन सबसे बेसिक यूनिट होती है क्लासीफिकेशन की स्पीशीज़ फिर नेक्स्ट पॉइंट है किंगडम इज़ द हाइस्ट कैटेगरी इन क्लासीफिकेशन जबकि अगर हाईस्ट कैटेगरी की बात करें तो किंगडम को हम हाईस्ट कैटेगरी में रखते हैं इन प्लान किंगडम डिवीजन इज द कैटगरी इक्वल एन टू फाइलम इन एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम में जो डिवीजन होता है वही फाइलम के इक्विवेलेंट होता है एनिमल किंगडम में मतलब एनिमल किंगडम में हम जहाँ फाइलम बोलते हैं वहीं प्लांट किंगडम में हम फाइलम की जगह डिवीजन का वर्ड यूज़ करते हैं ठीक ऑल द मेंबर्स ऑफ टेक्जॉन हैव सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स टेक्ज़ोन के जितने भी मेंबर एक टैक्जॉन के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब में एक तरह के करेक्टर्स होते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीशीज़ टैक्जॉन उठाते हैं तो उस स्पीशीज़ में जितने भी मेंबर होंगे उन सब में एक जैसे करेक्टर होंगे विच आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर टैक्सा मतलब अदर टैक्सा मतलब स्पीशीज़ और जीनस दोनों अलग अलग है लेकिन स्पीशीज़ में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म वो आपस में सेम है ठीक है फिर नेक्स्ट पॉइंट है हायर द कैटेगरी लेसर विल बी द नंबर ऑफ सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दैट कैटेगरी एंड हायर विल बी द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन दैट कैटेगरी तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा हायर कैटेगरी होगी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सबसे हायर कैटेगरी का ले लें एग्जाम्पल जैसे कि किंगडम तो किंगडम सबसे हाइस्ट कैटेगरी होती है तो उसमें आपको सिमिलर करेक्टर सबसे कम देखने को मिलेंगे मतलब स्पीशीज से किंगडम की तरफ जब हम चलेंगे तो धीरे धीरे सिमिलर करेक्टर्स कम होते जाएंगे तभी तो हमारा टैगजॉन चेंज होता जा रहा है स्पीशीज से जीनस जीनस से फैमिली फैमिली से ऑर्डर ऑर्डर से क्लास क्लास से फाइलम फिर हमारा फाइनल आता है किंगडम तो किंगडम तक पहुंचते पहुंचते जो सिमिलर करेक्टर्स होते हैं वो धीरे धीरे घटने लगते हैं इसीलिए जितनी ज़्यादा हायर कैटेगरी होगी उतने ही कम सिमिलर करेक्टर्स हमको देखने को मिलेंगे जबकि अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स की तो इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे अब कोई किंगडम है मान लीजिए तो किंगडम में बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स हैं बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंडिविजुअल्स का नंबर सबसे ज़्यादा है अब किंगडम से नीचे एक टेक्जॉन आते हैं फाइलम तो किंगडम uh, से फाइलम तक आने में कुछ इंडिविजुअल्स कम हो गए फिर फाइलम से आते हैं क्लास में थोड़े और इंडिविजुअल्स कम हो गए क्लास से आएंगे ऑर्डर में फिर और इंडिविजुअल्स कम हो गए ऐसे ऐसे करते करते स्पीशीज तक पहुँचते पहुँचते जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका नंबर कम होता है तो इसको समझाने के लिए मैं ये डायग्राम से थोड़ा सा आप हेल्प लेना चाहूँगी ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए तो ये डायग्राम आप लोगों को पता है एनसीईआरटी में मेंशन में है ऊपर से लेके नीचे यानी किंगडम से लेके स्पीशीज़ ये जो हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरीज में ये मेंशन है आपका टेक्जोनॉमिक हैरार्ची जिसको हम बोलते हैं तो सबसे ऊपर हमारा आता है किंगडम देन फाइलम और डिवीजन फाइलम इन केस ऑफ एनिमल एंड डिवीज़न इन केस ऑफ प्लांट्स फिर आता है क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज़ ठीक तो हायर कैटेगरी में नंबर ऑफ़ सिमिलर करेक्टर्स सबसे कम देखने को मिलेंगे लेस और अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स की तो इंडिविजुअल्स का जो नंबर होगा वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा यानी नीचे से ऊपर जाने पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे जबकि सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स घटेंगे ना अब हम कुछ जीनस एंड उसके स्पीशीज़ और उसके कॉमन नेम्स पढ़ेंगे जो एन में मैंशन है तो सबसे पहला जो जीनस है वो है सोलेनम सोलेनम की तीन स्पीशीज़ हैं जो एन में हैं एक हो गया हमारा सोलेनम ट्यूबरिसम जिसका मतलब होता है पोटैटो दूसरा है सोलेनम मेलॉन्जेना यानी कि ब्रिंजल तीसरा है हमारा सोलेनम निग्रम यानी कि मकोए दूसरा जीनस आता है पैंथरा पैंथरा की भी तीन स्पीशीज़ हैं एक होता है पैंथरा लियो यानी कि लॉयन फिर होता है पैंथरा पैरेडस यानी कि लेपर्ड तीसरा है पैंथरा टाइग्रेस यानी कि टाइगर फिर नेक्स्ट हमारा जीनस है कैनिस कैनिस की स्पीशीज है फैमिलेरिस जिसका मतलब होता है डॉग फिर एक और जीनस है फैलिस उसकी स्पीशीज़ है डोमेस्टिका फेलिस डोमेस्टिका यानी कि कैट सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही बाकी जो भी पेंडिंग चीज़ है जैसे कि आपका टाइप्स ऑफ टेक्जिनोमी टेक्जिनोमिकल एड्स वगैरह वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसीलिए मैं चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से कम टाइम में एक टॉपिक को रिवाइज कर सकें सो so, बाकी के टॉपिक्स एंड जो बचा हुआ चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो